हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, अपने घर पे मौज मार रहे होगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटिव लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रिव्यू लैब के अंदर, और आज के इस एपिसोड में मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी DJI स्मार्टफोन गिम्बल्स के साथ अगर आप इन्हें परचेज करते हैं तो। चाहे हम बात करें DJI Osmo Mobile 3 की, चाहे Osmo Mobile 4 की, प्रेजेंटली मेरे पास DJI Osmo Mobile 3 है, तो मैं उसमें डेमोन्स्ट्रेट आपको करके बताऊंगा कि Osmo Mobile 4 में भी ये चीज़ें जो है कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या ये दोनों गिम्बल्स में से कोई एक, DJI Osmo Mobile 3 या OM4 जो है, वो आपको लेने चाहिए या नहीं, यही इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो प्लीज़ अगर ये एपिसोड आप लास्ट तक देखें तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिले, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि रेगुलर जो वीडियो हम लोग अपलोड करें उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते और लेट्स स्टार्ट द शो। तो इस बार इस एपिसोड में हम लोग कोई अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कुछ एसेसरीज़ के लिए, एक्स्ट्रा एसेसरीज़ के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास है DJI Osmo Mobile 3 का कॉम्बो इन द सेंस कि यहाँ ये बॉक्स आपको देखने को मिलता है, कैरी केस, और ये रहा गिम्बल, इसे रखता हूँ मैं साइड में। साथ ही साथ एक ट्राईपॉड माउंट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, एक पाउच देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेंगी और DJI इसके आपसे चार्ज करेगा 1500 बोलना चाह रहा था मैं। तो ट्राईपॉड मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का ये जो है ट्राईपॉड आएगा, एक मिनट निकाल लूँ मैं इसे, ये रहा ट्राईपॉड। तो ये जो ट्राईपॉड माउंट है, इसकी कीमत जो DJI ने लगाई है वो 1000 है, जो कि ना कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल है, और प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ी चीप जो है हम लोगों को फील हुई यहाँ पे। तो इस ट्राईपॉड के लिए और ये कैरी केस वगैरह के लिए आपको 1500 जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, कि ये गिम्बल दिखता कैसा है, क्या ये कम्फर्टेबल है जितना इसे प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको ट्राईपॉड अटैच करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये जो है ट्राईपॉड अटैच हो जाएगा बेस में गिम्बल के, और हम इसे रख के दिखा देते हैं टेबल पर आपको, और उससे पहले इसे कर लेते हैं अनफोल्ड। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है DJI ने कॉन्सेप्ट दिया है इस बार, फोल्डेबल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और बड़े ही इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं अपने कैमरा बैग में या अपने ट्रैवल बैग में अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ़ोन माउंट की, तो आपको फ़ोन माउंट जो है नॉर्मल देखने को मिलता है जैसे बाकी सारे गिम्बल्स में है। DJI Osmo Mobile 4 से ये अलग है, उसमें क्लिप मैकेनिज्म दिया है, और इस तरीके से ओपन करके ट्राईपॉड माउंट जो है हम इसे यहाँ सेटल कर सकते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3-axis गिम्बल एक्चुअली होता क्या है, और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा, पर ये मेरा समझाना यहाँ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो 2-axis को लेके है इस गिम्बल में। तो यहाँ हम बताते हैं 3-axis गिम्बल के बारे में आपको। तो जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों एक्सेस मैंने लेबल किए हुए हैं तीनों मोटर्स के लिए। तो जो फ़ोन माउंट वाली मोटर आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में, वो है टिल्ट एक्सेस के लिए, बीच वाली मोटर है रोल एक्सेस के लिए, और जो बेस मोटर है 360 डिग्री जिससे रोटेशन होना चाहिए वो है पैन एक्सेस के लिए। तो तीनों एक्सेस मैं आपको समझाऊंगा अभी, तीनों मोटर्स के काम मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम लोग जो है फ़ोन माउंट कर लेते हैं अपने गिम्बल पे। तो यहाँ पे मेरे पास है अभी S10 Plus जिसे मैं माउंट करने वाला हूँ। छोटा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट फ़ोन है, तो इजीली माउंट हो जाएगा, पर थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि जो Osmo Mobile 4 है उसमें क्लिप मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो कि सारे गिम्बल्स जो हैं गिम्बल मेकिंग कंपनीज हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए। तो चलिए गिम्बल को करते हैं ऑन और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप इस गिम्बल को ऑन करेंगे तो पहले ये स्टार्ट होगा पोर्ट्रेट मोड में, और उसके बाद इसे आप स्विच कर सकते हैं लैंडस्केप में। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और IGTV के लिए वीडियोस बना रहे हैं या स्टोरीज बना रहे हैं तो इजीली इस मोड में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने लैंडस्केप मोड में, और अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आपको फेस करनी पड़ेंगी।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो आपको आएगी टिल्ट एक्सिस के साथ। अब टिल्ट एक्सिस क्या है वो मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताऊंगा और क्या प्रॉब्लम आपको आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है ये है टिल्ट एक्सिस के लिए। देख सकते हैं आप कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर जो है एक्सटेंड के बाद इस गिम्बल को ले जा रहा हूँ नीचे, अगर मैं कोई बी रोल शूट कर रहा हूँ तो एक लिमिट के बाद ये जो टिल्ट एक्सिस वाली मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। और देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ तो ये हो गई टिल्ट एक्सिस की बात, और अब हम बात करेंगे पैन एक्सिस के बारे में कि पैन एक्सिस में क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे DJI के गिम्बल्स में। तो चाहे आपके पास हो DJI OM3, Osmo मोबाइल 3 या चाहे हो Osmo मोबाइल 4, दोनों में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये पैन एक्सिस पे अगर हम लोग काम करें, अगर आप कोई शूटिंग पे हैं, कोई सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं और आपको पैन एक्सिस का काम है, तो ये देखिए एक सर्टेन लिमिट के बाद जाके यहाँ पे ये मोशन रुक जाएगा। तो देख सकते हैं आपकी एक प्रॉब्लम तो यहाँ आपको पैन एक्सिस के साथ है, और सारे एक्सिस की ज़रूरत हमें पड़ेगी कोई भी बी रोल शूट करने के लिए, कोई भी सिनेमैटिक अगर आप शूट कर रहे हैं उसके लिए आपको तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ये जो है लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है DJI के इन गिम्बल्स में। वहीं मैंने Zhiyun का भी जो है स्मूथ क्यू यूज़ किया, जो बेसिक गिम्बल की बात कर रहा हूँ उसमें ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों ये हमने बात कर ली पैन एक्सिस के बारे में कि पैन एक्सिस पे क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है फ़ोन माउंट। फ़ोन माउंट में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि फ़ोन माउंट में तो कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती यार, वो तो नॉर्मल सा एक फ़ोन माउंट है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए अगर मैं S10 Plus भी इसमें छोटा मोबाइल है यार वो यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बटन जो है पावर बटन इसमें प्रेस्ड रहेगी वो आपको जो है यहाँ देखने को मिलता है। और कभी कभी फ़ोन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ एक इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कोई बड़ा मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, Note 9, Note 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, थोड़े बटन्स दूर हैं, बट छोटे मोबाइल्स के साथ ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही एक और प्रॉब्लम आती है फ़ोन को माउंट अनमाउंट करने में, जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है उसका यूज़ करना पड़ता है, तो इसमें मोबाइल आपसे छूट के गिर सकता है। तो ये तो होगी सारी प्रॉब्लम्स की बातें, जो भी प्रॉब्लम थी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं प्राइसिंग की कि दोनों गिम्बल्स आपको मार्केट में कितने के मिलेंगे, कितने के अवेलेबल हैं। तो बात करें अगर हम लोग Osmo मोबाइल 3 की, तो आपको ये अभी भी स्टिल 9999 का, अराउंड 10,000 का पड़ेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। और कॉम्बो वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। यही अगर बात करें Osmo मोबाइल 4 की, तो सारी चीज़ें इसमें कोई कॉम्बो और स्टैंडर्ड नहीं है, एक वेरिएंट है जो कि आपको पड़ेगा 12,000 का, और उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। और दूसरे स्मार्टफोन गिम्बल्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी महंगा है ये उनके कंपैरिजन में। तो ये तो होगी सारी बातें इस गिम्बल के बारे में, चाहे वो हो DJI Osmo मोबाइल 3 चाहे 4, दोनों के साथ जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो इट्स अ किक फ्रॉम माय साइड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो भी ये गिम्बल यूज़ कर रहा हो, इवन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बट क्या करें अब बहुत सारे फोल्डिंग गिम्बल्स आ रहे हैं इस प्राइस में। अगर आप अभी तक ये एपिसोड पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी नए नए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो प्लीज़ जाइए जाके फॉलो करिए, 10,000 फॉलोअर्स तक पहुँचा दो यार कैसे भी करके। और इसी के साथ थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक इस एपिसोड में बने हुए हैं। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए रिव्यू के साथ, एक नए हैक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।